Hey guys, welcome back to my YouTube channel Hospitality Bus, and I hope you all must be doing really well. So I know how much you all love me and how much you have missed me from past few days, and you were waiting for college review ka video bahut time se. And here is a new video of a college that is Abhi Institute of Hotel Management Delhi. Iske bare mein tum logon ne pehle se bhi suna hoga, maine Abhi Institute ke bare mein pehle bhi baat kari hai. Again I'm going to talk about Abhi Institute of Hotel Management Delhi. Bahut lambi video nahi hogi, छोटी सी वीडियो में हम लोग पूरे कॉलेज के बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें जानेंगे. हम लोग इनके कोर्सेज के बारे में जानेंगे, हम ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स के बारे में जानेंगे. वी विल टॉक अबाउट एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, दैट इज अर्निंग वाइल स्टडिंग. ठीक है, तो तुम लोग कॉलेज में पढ़ रहे हो तो पढ़ते पढ़ते तुम लोग कॉलेज में कैसे पैसे कमा सकते हो, अर्निंग वाइल स्टडिंग, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. उसके अलावा गाइस थोड़े इन कॉलेज के अपने एक यूनिक, आई थिंक एक ऐसे USP जैसे पॉइंट्स है जिसकी वजह से मुझे ये कॉलेज थोड़ा अच्छा लगता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड लास्ट में मैं थोड़ा अपना फीडबैक दूंगा. तो गाइस सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं रेडिस कॉलेज के कोर्सेज कौन कौन से प्रोवाइडेड है, तो यहाँ पर आपको BHMCT मिल जाएगा जो कि एक 4 ईयर का कोर्सेज है. आपको यहाँ पर BSc मिल जाएगा जो कि एक 3 ईयर का कोर्सेज है. दे प्रोवाइड डिप्लोमा एज वेल जो कि एक 1 ईयर का प्रोग्राम है. उसके अलावा गाइस यहाँ पर बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ जो कि हमारा हॉस्पिटलिटी टूरिज्म इंडस्ट्री का भी इनका कोर्स है. ठीक है, जो कि 3 ईयर का कोर्स है, तो वो ये लोग प्रोवाइड करते हैं. उसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स की. ठीक है, तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में कुछ कंपनी का नाम देता हूँ जो यहाँ पर मैंने रिसर्च करी है. रेडिस ओबराय इज देयर, मैरिट इज़ देयर, ललित है, अंदाज इज़ देयर, रेडिसन इज़ देयर, वेस्टर्न इज़ देयर. उसके अलावा ये लोग इंटरनेशनली भी आपको हेल्प करते हैं, एजिस्ट करते हैं प्लेसमेंट्स में और ट्रेनिंग दिलवाने में. सो कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे फॉर एग्जांपल गाइस न्यूजीलैंड इज़ देयर, दुबई है, मॉरिशियस है, मलेशिया, नेदरलैंड, फ्रांस. तो ऐसी कंपनीज में लोग ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स के लिए आप लोगों को एजिस्ट करते हैं और वहाँ पर आपको जॉब दिलवाते हैं. उसके अलावा गाइस एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी है ना जो मुझे लगती है, वो है इनका अर्निंग वाइल स्टडिंग. तो ये लोग ODC को बहुत सपोर्ट करते हैं. सो जब आप लोग कॉलेज में हो ये लोग आपको सपोर्ट करेंगे, ये लोगों के कनेक्शन से ये लोग आपको बोलेंगे कि तुम लोग जाओ होटल में जाके ट्रेनिंग करो, एंड पर डे के बेस पर तुम लोगों को पैसे मिलते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग. आई थिंक अगर तुम्हें 5-स्टार होटल का एक्सपोजर भी मिल रहा है, यू आर गेटिंग पेड फॉर इट. ठीक है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है. तो ODC को ये लोग सपोर्ट करते हैं, एंड आई थिंक इससे स्टूडेंट्स का भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, बिकॉज ये कल्चर अब्रॉड में बहुत है कि जब तुम लोग कॉलेज में पढ़ रहे हो अर्निंग वाइल स्टडी, तो ये इंडिया में भी ये कल्चर होना चाहिए जो ये लोग कर रहे हैं, विच इज़ आई थिंक इज़ अ रियली गुड थिंग. उसके अलावा गाइस पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, इंग्लिश स्पीकिंग हो गया, फॉरेन लैंग्वेज के जो कोर्सेज हो गए जैसे फ्रेंच हो गया, उस सब के ऊपर ये लोग बहुत फोकस करते हैं. बाकी आई हाईली सजेस्ट डेट यू गाइस डू योर ऑन रिसर्च. तुम वेबसाइट पे जाओ, तुम थोड़ा बहुत कॉलेज के बारे में पढ़ो. आई हाईली सजेस्ट अगर कोई कॉलेज का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि कॉलेज कैसा है, सो दैट अदर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो नो अबाउट इट. यू शुड डेफिनेटली चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट सेक्शन में पूछो, मुझसे पूछो. बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे. बाय.